चलिए कुछ रोबोट्स को बदलते हैं। हमारे पास है रेस कार और एम्बुलेंस। ये विशेष जी, एक भविष्यवादी गाड़ी। ये पारंपरिक गाड़ी। ये सुंदर ट्रैक्टर। हेलीकॉप्टर जो ऊपर से आ रहा है। ये रेस्क्यू जीप जो हेलीकॉप्टर बन सकती है। और अंतरिक्ष यान जो चांद से आ रहा है। और आखिर में लड़ाकू विमान। अब हमारे 10 रोबोट आ गए हैं। अब समय हो गया इन्हें बदलने का। तो चलिए इस लाल रेस कार से शुरू करते हैं। ये बहुत तेज दिखती है, इसने बहुत सी रेस जीती होंगी। तो सबसे पहले हमें इसके आगे वाले हिस्से को मोड़ना होगा। ये बनेगी इसकी टांग। अब गाड़ी के नीचे की ओर से हम बाजुओं को निकालेंगे, फिर कलाइयों को उठाकर हाथों को खोलेंगे। ये दायां हाथ, ये बायां। बढ़िया। अब टांगों को निकालकर इन फ्लैप की मदद से इन्हें खड़ा करेंगे। तो ऐसे करते करते हमने रेस कार को बदल दिया है रोबोट में, जिसका नाम है अल्फा। अब हम इस शानदार एम्बुलेंस को बदलेंगे रोबोट में। और सचमुच की एम्बुलेंस के जैसे इसमें ध्वनियां और बत्तियां हैं, जो आपातकाल के समय अपना रास्ता मांगती हैं। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बदल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ऊपर से इस लाइट को निकालना होगा और इसे हम साइड में रख सकते हैं। अब इसे घुमाकर इसके अगले वाले हिस्से को नीचे की ओर धकेलेंगे। और अब हम दरवाजों को ऊपर की ओर खींचेंगे। और अब कांच के दोनों भागों को ऊपर करेंगे, ये ऐसे। और एम्बुलेंस के पीछे छत के दोनों भागों को साइड में धकेलेंगे। और अब दोनों दरवाजों को सीधा कर देंगे और इसके कवर से इसके हाथ बाहर खींच देंगे। और अब इसके अंदर से टांगों को बाहर करेंगे। अब हम निकाल सकते हैं ये कुल्हाड़ी, जो बाद में इसका शस्त्र बनेगा। अब पैरों को खोलने के लिए टांगों को खींचेंगे। ये ज्यादा लंबा हो गया, इसलिए कमर से इसे छोटा करेंगे। अब इसके सर के लिए थोड़ा आखिरी सुधार। इस ढक्कन को नीचे करो। अब हमारा रोबोट मजे करने के लिए तैयार है। आखिरी रूप देने के लिए बस कुछ चीजें और। इसे हम दो भागों में बांट सकते हैं और फिर 3 टुकड़ों में। और इसके अंदर हमने देखा इसका ब्लास्टर छुपा है। वाह, छुपने की मस्त जगह है। ये देखो, सशस्त्र और रक्षा के लिए तैयार। अब लाइट के दो भाग कंधों पर जाएंगे, एक यहाँ और एक यहाँ। अब ये सायरन बनेगा रोबोट की छाती। और आखिर में इसे एक और शस्त्र मिलता है, लड़ाई का कुल्हाड़ा। और अब हमने एम्बुलेंस को रोबोट ने बदल दिया है, जिसका नाम है फेसलिफ्ट। सुरक्षा और बचाव के लिए तैयार जो भी कोई मुसीबत में है। अब हमारा तीसरा वाहन है लाल जीप, जो कच्चे रास्तों के लिए तैयार है। बड़े टायर, साहसिक कार्यों और कच्चे रास्तों के लिए तैयार। ये जीप रोबोट ने बदल कर कैसी दिखेगी, मैं जल्दी देखना चाहता हूँ। इसके ऊपर एक चाबी है, चलो वहीं से शुरू करते हैं। हम यहाँ चाबी को लगाकर घुमा सकते हैं और इसने पहले बदलाव को खोल दिया है। अब हम इसकी टांगे नीचे कर सकते हैं। इसके पैरों के लिए जगह बनाने के लिए हम दोनों पैनल को उठाएंगे। ये हो गया। टांगों को खोलो ताकि ये खड़ा हो सके। ध्यान रखना इन पहियों को अंदर मोड़ना है। अब इसके ऊपरी भाग पर काम कर सकते हैं। देखो, नीचे करके सर ऊपर कर दो। बढ़िया। इस हिस्से को पीछे घुमाकर दोनों कंधों को बाहर कर सकते हैं और फिर बाजुओं को नीचे कर दो। अब इन पहियों को ठीक करेंगे, फिर दोनों कंधों के ऊपरी भाग को घुमाएंगे और हमारा रोबोट चाबी पकड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। देखा, जादू की तरह काम करता है। अब हमारी लाल जीप रोबोट में बदल चुकी है, जिसका नाम है वाइल्ड चीफ। इसे बदलने में बहुत मजा आया, ये कितना सुंदर भी दिखता है। और अब अगले रोबोट में बदलेगी नीली अत्याधुनिक गाड़ी। ये बहुत अलग दिखती है, सड़क में जो दिखता है उससे बिल्कुल अलग। लगता है पिछली बार की तरह इसके पास भी चाबी है। चलो इसे खोल कर गाड़ी को बदलना शुरू करते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब गाड़ी के पिछले हिस्से को नीचे करके शुरुआत कर सकते हैं। अरे, मुझे मिल गया। ऐसा लग रहा था कि ये वहीं अटक गया है। ठीक है, लगता है ये वाले हिस्से यही घूमेंगे और फिर इन फ्लैप को उठाने के बाद हम पैरों तक पहुंच जाएंगे। ये रहे।
और ये नीले फ्लैप को खोलने के बाद जगह बना लेंगे। अब पैर बाहर आ सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्योंकि पिछला हिस्सा आगे की तरफ है, इसलिए हमें इसे कमर से घुमाना होगा। ठीक है, अब गाड़ी के ऊपर। हम इसे साइड में कर सकते हैं और ये बनेंगी इसकी भुजाएं। यदि मैं इसे सही से करता हूँ, ये लो। ठीक, अब ये वाली। अब मुट्ठी को नीचे करके भुजाओं को खींचना है। कांच को खींचने से सर दिखेगा। अब उसे ऊपर कर सकते हैं। अब केवल मुझे चाबी को वापस रखना है, फिर ये पूरा हो जाएगा। मुझे लगता है हमने अत्याधुनिक नीली गाड़ी को रोबोट में बदलकर बहुत शानदार काम किया है, जिसका नाम है टैकियन। फ्यूचरिस्टिक कार को बदलने के बाद अब बारी है क्लासिक कार की। क्लासिक कार एक पुरानी गाड़ी है। वाह, काले और सुनहरे में ये शानदार विंटेज रूप है। बहुत बुरा है, अब वो ऐसी कारें नहीं बनाते, क्योंकि मैं इसे चलाना चाहता हूँ। तो आइए इसे बदलना शुरू करते हैं। वो देखो, गाड़ी के पीछे किला बना है। बदलने के लिए इसे उतारना होगा। अब हटाएंगे इस ढक्कन को, फिर इन पहियों को गाड़ी के नीचे की तरफ घुमा देंगे और फिर कक्ष के ऊपरी हिस्से को उठाएंगे। और अब हम गाड़ी के बीच वाले हिस्से को बाहर कर सकते हैं। और अब गाड़ी की डिक्की को खोलेंगे और अंदर मिलेंगी टांगें। इसे ऊपर करके नीचे की ओर खींचेंगे। और अब समय हो गया मोड़ने का, धड़ को मोड़ने का। ये देखो, अब हम साइड फेंडर खोलेंगे जिससे भुजाएं बनेंगी। और अब इस जाली को खोलने से बनेगी इसकी छाती, और इन पहियों से बनेंगे इसके कंधे। पर सर कहाँ है? क्या किला याद है? हमें उसकी जरूरत है, और साथ में ये टुकड़ा। इसे हम किले के साथ यहाँ जोड़ देंगे और फिर इन दोनों को रोबोट के पीछे लगा देंगे, और इससे बनेगा हमारा रोबोट सुपर हीरो। पर इसे अभी सर की जरूरत है। हाँ, ये रहा, इसे नीचे करेंगे और फिर घुमाकर। क्या बात है, हमारा रोबोट शस्त्रों के लिए तैयार है। इस बाजू में हम भाला रखेंगे और ये ढक्कन कवच का काम करेगा इस बाजू में। हमारी क्लासिक कार बदल गई है एक योद्धा में, नाम शिवर स्पिरिट। और मुझे कहना पड़ेगा कि इतना शानदार रोबोट मैंने पहले कभी नहीं देखा। अब चलेंगे दूसरी पंक्ति के रोबोट के पास और शुरुआत करेंगे ट्रैक्टर से। चलिए देखते हैं कि ये अनोखी चीज क्या करती है। इसे हम यहाँ ऐसे लगाएंगे और थोड़े सिक्के हाथ में लेकर यहाँ रखेंगे। देखना क्या होगा जब हम इसके ऊपर चलाएंगे। अरे, ये तो मेटल डिटेक्टर है। बहुत बढ़िया है ना। हम इसकी सहायता से दबा हुआ खजाना ढूंढ सकते हैं। पर अभी इस ट्रैक्टर को बदल कर देखते हैं कि वो रोबोट में कैसा दिखेगा। हम इस एग्जॉस्ट पाइप को निकाल कर शुरू कर सकते हैं। हम इसे आगे के लिए रखते हैं। अब हमें चाहिए चाबी। इसके लिए हम खुरपे का इस्तेमाल करेंगे। इस चम्मच को गिराएंगे और हमें मिल गई चाबी। इसे पीछे के पहिए खुल जाएंगे ताकि हम इसे बदलना शुरू कर सकें, और फिर इसे ऊपर और बाहर घुमाएंगे ताकि ये कक्ष के साइड में चला जाए। ट्रैक्टर के अगले हिस्से से बनेंगी रोबोट की टांगें और पिछले हिस्से से कमर, और फिर पिछले पहियों से हम भुजाएं बनाएंगे। अब इस बटन को दबाकर हमें मिलेगी मुट्ठी, और फिर दूसरी तरफ भी ऐसे ही करेंगे। ये दूसरी मुट्ठी, और ये पैनल घूमकर बनेगा सर। फिर टांगों को खोलकर पैरों को बाहर करेंगे। ये देखो, पहिए एड़ी बन गए। इससे रोबोट को थोड़ी अतिरिक्त पकड़ मिलेगी जब वो खड़ा होगा। कितना प्यारा रोबोट है। और अब मेटल डिटेक्टिंग ट्रैकर, जिसके बारे में पहले बात की थी, अब इसको भी बदला जाएगा। अब इस मेटल डिटेक्टर को रोबोट के हाथ में पकड़ा दिया जाएगा। मुझसे पूछो, ये बहुत साफ है। और एग्जॉस्ट पाइप बनेगा रोबोट के लिए ब्लास्टर। देखना ये क्या चलाता है। हम इसमें नकली कारतूस डाल सकते हैं। इस रोबोट से पंगा मत लेना, क्योंकि ये पत्ते चलाएगा। अब बारी है इस शानदार हेलीकॉप्टर की। चलो इसे उड़ाओ और देखते हैं इसमें क्या है। अरे वाह, ये बहुत ही अद्भुत हेलीकॉप्टर है। मुझे इसके ब्लेड बहुत आकर्षित लगे। देखो, ये अभी भी घूम रहे हैं। ठीक है, चलो इसे बदलते हैं। सबसे पहले हम ब्लेड निकालेंगे, फिर चाबी के इस्तेमाल से अगला भाग खोलेंगे। अब ये खुल गया है, इसलिए ऊपर वाले हिस्से को पीछे कर देंगे और फिर नीचे से ये लैंडिंग स्की को हटाएंगे। लगता है हो जाएगा। हो गया।
अब हेलीकॉप्टर के ऊपर वाले भाग को थोड़ा खींचेंगे जो रोबोट के धड़ को दिखा रहा है। फिर इसे घुमाकर टांग को अलग कर लेंगे। फिर टांगों को फिर से घुमाएंगे सही दिशा में लाने के लिए और फिर पैर को उठा देंगे। हम इसे भी थोड़ा अलग कर सकते हैं भुजाओं पर काम करने के लिए और ये ऐसे घूमकर जगह बना सकती है। ये पहली बाजू, इसे घुमाओ और अरे दूसरी थोड़ी ढीली है, ये हो गया। अब इसे ऐसे घुमाते रहो। अब इसकी दोनों बाजुएं तैयार हैं। हमें हेलीकॉप्टर की पूंछ का कुछ करना होगा, ये थोड़ी अलग लग रही है। हम इसे बीच में खोलकर साइड में ले जा सकते हैं। फिर इसके दोनों कोनों को 90 डिग्री के कोण पर नीचे खींच देंगे और ये पहले से बेहतर लग रहा है। अब हेलीकॉप्टर के ब्लेड को हम बाजू के साथ जोड़ेंगे जिससे शस्त्र और कवच तैयार होगा और आखिर में लैंडिंग्स की पीछे लग सकती है। ये तो बहुत ही शानदार बदलाव है, हेलीकॉप्टर से एक रोबोट जिसका नाम है एडवेंचर। और अब अगला वाहन है नारंगी रेस्क्यू जी। आप इसके रूप को साइड से देख सकते हैं, ये पहाड़ी बचाव के लिए है। यही सोच रहे हो ना इसके ऊपर हेलीकॉप्टर के ब्लेड क्यों हैं? मैं दिखाता हूँ। हम इस टुकड़े को खींचकर इसे हेलीकॉप्टर में बदलना शुरू कर सकते हैं और यहाँ से पूंछ वाला भाग घुमाकर और यहाँ से छोटे परों को खोल सकते हैं। ये इसे उड़ान भरने में मदद करेंगे और फिर जीप के नीचे की तरफ हम पहियों को अंदर मोड़ देंगे हेलीकॉप्टर का रूप देने के लिए। फंसे हुए पर्वतारोहियों को बचाने के लिए अब हमारा हेलीकॉप्टर पहाड़ बचाव मिशन के लिए तैयार है, क्योंकि अभी किसी को बचाव की आवश्यकता नहीं है। चलिए इसे वापस जीप में बदल देते हैं ताकि हम इसे फिर से रोबोट में बदल सकें। ठीक है, अब ये बदलने के लिए तैयार है। हम इस ग्रिल को बाहर निकालकर शुरुआत करेंगे और इसकी सहायता से हम आगे का भाग खोलेंगे। अब हम नीचे वाले फ्लैप्स को खोलेंगे ताकि वो ठीक से खड़ा हो सके। ध्यान रखना कि पहियों को भी अंदर मोड़ दिया जाए। कंधे और भुजाएं शरीर से ऐसे बाहर निकलेंगी। फिर हम हाथ बाहर निकालेंगे और फिर पिछले बम्पर को नीचे करके इसकी छाती बनाएंगे। अब टांगे खोलेंगे और इस तरह हम जीप को एम्बुलेंस बनाएंगे और ये हेलीकॉप्टर के ब्लेड एम्बुलेंस के शस्त्र बनेंगे। ये ब्लास्टर के साथ साथ यदि कोई नजदीक आएगा तो घूम भी सकता है। और अब बारी है लड़ाकू विमान की। वाह, कितना सुंदर जहाज है। मुझे लगता है ये सुपरसोनिक है, यानी आवाज की गति से भी तेज। चलिए इसे रोबोट में बदल कर देखते हैं। सबसे पहले विमान के ऊपर से ब्लास्टर हटाएंगे और इसे खोलने के लिए अंदर से चाबी ढूंढेंगे। यहाँ चाबी लगाओ और घुमाओ। हमने बदलाव शुरू कर दिया। अरे मैंने नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। लगता है ये नहीं टूटा। अच्छा है, क्योंकि हमें इसकी जरूरत पड़ सकती है। अगला बदलाव है जेट टर्बाइन को खोलना जो इसकी टांगे बनेगा। अब लैंडिंग गियर को अंदर करेंगे, पैर को बाहर निकालेंगे। अब हम इसे बाहर निकाल सकते हैं ताकि ये सीधा खड़ा हो सके और रोबोट के ऊपरी भाग में जाने से पहले इसकी टांगे खोल देंगे। कंधों की जगह बनाने के लिए हमें परों को अंदर करना होगा। बढ़िया, चलो अब दूसरी तरफ करते हैं। इनके बारे में ज्यादा नहीं पता पर बदलने में मजा आ रहा है और इसे बदलते देखने का अलग नजारा है। और अब ये तैयार होने वाला है और अब हम जेट फ्यूजेलाज को इसके पीछे लगा देंगे और अब हमारा रोबोट ब्लास्टर के लिए तैयार है। हमें चाबी को अंदर खिसकाना है और हैंडल को बाहर खींचना है। अब ये हमले के लिए तैयार, मतलब बर्फ के लिए तैयार। मिली? इस रोबोट के पास और भी तरकीबें हैं। इस बटन से इसका नकाब उठेगा और इस बटन से इसका टर्बाइन घुमा सकते हैं। ये उन्हें भी ठंडा कर देगा जिन्हें आइस ब्लास्टर ने नहीं जमाया। और अब बारी है आखिरी रोबोट की, ये अंतरिक्षयान। अंतरिक्षयान बहुत तेज और दूर तक जा सकते हैं जब वो पृथ्वी के वायुमंडल को छोड़ते हैं। हो सकता है किसी दिन आप भी चांद की यात्रा करें, पर अभी हम इन्हीं खिलौनों से खेलेंगे। यहाँ थ्रस्टर में ताला लगा है, चलो इसे इस चाबी से खोलते हैं। अरे वाह, पंख निकल आए और पूंछ वाले पंख भी। अब अंतरिक्षयान का ऊपरी भाग नीचे कर सकते हैं। इसे मोड़कर सीधा करके टांगों में बदलेंगे। हो गया। मुझे ये आवाज बहुत पसंद है, लगता है सचमुच में कुछ बदल रहा है। बाकी रोबोट की तरह इसकी भी टांगे खोलेंगे और फिर हम इसके कॉकपिट को घुमाएंगे और साइड में जोड़ेंगे। यहाँ पर लैंडिंग गियर है।
फिर पैर बाहर निकालेंगे। इस रोबोट के लाल रंग के हैं। हम बता सकते हैं कि भुजाएं कहां पर होंगी। हमें केवल पंख पीछे करने हैं और हाथों को आगे घुमाना है। अब ऐसे ही दाईं बाजू को करेंगे। याद रखना, ये दायां है, हमारा बायां। और ये पंख कलाइयों के अंदर मुड़ जाएंगे। अब इस नकाब को हटाकर इसका चेहरा दिखाएंगे। वाह, ये तो गजब का रोबोट है। ये दूसरे ग्रह पर जा सकता है और वहाँ बदल कर खोज कर सकता है। ये विज्ञान की उन्नति के लिए बहुत बढ़िया होगा। दोस्तों, इन 10 रोबोट को बदल कर बहुत मजा आया। उम्मीद है आपको भी आया होगा। देखने के लिए धन्यवाद। बाय।